बुरे चल रहे हैं उल्टे आपके। भाई साहब थोड़ा पीछे भारतीय जनता पार्टी के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है उनके नेतृत्व में, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और पूरे जनपद में उत्तर प्रदेश और जनपद के सभी हमारे नेतृत्वकर्ता और देवतुली कार्यकर्ताओं के साथ में बाराबंकी की ये बेटी और ये बहन और बहू ये बाराबंकी को जनता को विश्वास दिलाती है कि उनके अथक प्रयासों से ये खरी उतरेगी और जो भी हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा घोषणा पत्र है उसको अच्छा सा लागू करने में हमें जनता भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेगी। इसी के साथ बस अपनी बात को समाप्त करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और जिस तरीके से पूरे जिले में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, मोदी और योगी जी पर जो भरोसा लोगों का है, जो गरीबों किसानों नौजवानों को जो सरकार की योजना जो बिना भेदभाव तक पहुंची है, तो पूरा मुझे विश्वास है कि बाराबंकी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक लगाने जा रही है। गर्मी का असर जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, कैसे गर्मी जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगभग 10,000 से अधिक लोग यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे, अपना आशीर्वाद देने के लिए कार्यकर्ता आए, तो एक बार गर्मी पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का भारी पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए और 400 पार का जो संकल्प है उसको सिद्धि तक ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है। हर घर तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पहुंचेगा और कमल खिलाने के लिए अपना आवेदन करेगा। पूरा बाराबंकी इस बार फिर से मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बंकी की क्रॉसिंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। सांसद जो उपेंद्र रावत थे उन्होंने बहुत प्रयास किया था, फिर भी अभी तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा और इस वक्त मौत की क्रॉसिंग वो बन चुकी है, उसके लिए क्या करेंगे? निश्चित ही कोई जो भी जनभावनाएं हैं उनका हम लोग आदर करते हुए जो समस्याएं हैं उनका निदान करने का हम लोग काम करेंगे। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।